स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सिबीगंज बरेली में। तो आज हम यहां पर सीखेंगे व्रत, जो कि कक्षा 10 का चैप्टर है। इसे अंग्रेजी में सर्किल बोलते हैं। ये क्या होता है, सबसे पहले तो यही देखते हैं। व्रत की परिभाषा क्या है, ये इसका एक केंद्र कहलाता है, एक नियत बिंदु है। और हम ऐसा मान सकते हैं ये व्रत बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है यहां पर। और इस नियत बिंदु से अगर इन बिंदुओं के प्रत्येक बिंदुओं के बीच की दूरी देखें तो ये एक समान होती है यहां पर इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि व्रत बहुत सारे बिंदुओं का वह समूह होता है जो नियत बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित होते हैं। ये व्रत है, इसके ये बिंदु, ये समूह है बिंदुओं का। तो ये सब समूह कहां पर हैं, इस नियत बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित है, एक समान दूरी पर स्थित है, तब हम इस इन बिंदुओं के समूह को बोलेंगे व्रत। इसके केंद्र को, इस जो नियत बिंदु है इसे हम बोलते हैं केंद्र, और ओ से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो नियत दूरी है इस दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। नियत दूरी, इस दूरी को हम बोलते हैं इस वृत्त की त्रिज्या। अंग्रेजी में इसको रेडियस कहते हैं और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तब वृत्त को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, सी, सी फॉर सर्किल मतलब वृत्त, जिसका केंद्र है ओ और जिसकी त्रिज्या है आर, तब हम वृत्त को इस तरह से लिखते हैं वृत्त सी ओ आर। ओ और आर को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। चलिए आज देखते हैं, एक थ्योरम है, प्रमेय है कि वृत्त, ये कोई वृत्त है, इस वृत्त के इस परिधि, ये यहां से अगर इसको काट दें, ये मान लीजिए एक तार का घेरा है और इसको काट दें तो इसे फैलाने पर ये इस तरह से एक थोड़ा सा लंबा सा तार मिलेगा, जो इसकी लंबाई होगी उस लंबाई को इस वृत्त की परिधि बोला जाता है। अंग्रेजी में इसे सर्क्यूमफेरेंस बोलते हैं, सर्क्यूमफेरेंस, जिसका मान होता है 2πr। तो अगर इसकी वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु हमने ले लिए A और B, इन दो बिंदुओं को मिला दिया जाए, तब ये मिलाने वाली जो रेखा है इस रेखा को कहा जाता है जीवा। और ये जीवा इस व्रत को दो भागों में बांट रही है, जिन्हें हम व्रत खंड कहते हैं। ये बड़ा व्रत खंड है, इसे हम बोलते हैं दीर्घ व्रत खंड, और ये छोटा है, इसे हम बोलते हैं लघु व्रत खंड। इससे जीवा से रिलेटेड एक प्रमेय है, यदि ये व्रत का केंद्र हो ओ और इस केंद्र से इस जीवा पर एक लंब खींचा जाए, मान लीजिए ये लंब एम बिंदु पर डाला गया है, मतलब एम बिंदु पर इसको काट रहा है, तब सिद्ध कीजिए कि जो M बिंदु है ये इस जीवा का मध्य बिंदु है, या यूं कह सकते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
इस जीवा को दो समान भागों में बांटता है, अर्थात ए एम बराबर होगा एम बी के। तो हमें यहां पर ज्ञात है या दिया है, दिया है हमें वृत्त सी ओ आर की जीवा ए बी पर, जीवा ए बी पर केंद्र ओ से डाला गया लंब ओ एम, यह हमको दिया गया है। हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो ए एम है वो एम बी के बराबर है। तो जब सिद्ध करना होता है तब हम यहां पर लिखते हैं उपपत्ति प्रूफ। उसके लिए हमें एक रचना करनी होगी। रचना करने के लिए हमने क्या किया, यहां से ए और ओ को और इसी तरह से ओ और बी को मिला लिया। तो उससे पहले हम यहां पर एक रचना कर लेते हैं, ओ ए व ओ बी को मिलाया। अब जैसे ही हमने ओ ए और ओ बी को मिलाया तो यहां पर हमें ये दो त्रिभुज मिल रहे हैं, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सा, एक है ए एम ओ और दूसरा है बी एम ओ। तब यही त्रिभुज हम ले लेते हैं, दोनों त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज बी एम ओ में। इन त्रिभुजों को मैं अलग अलग यहां पर बना ले रहा हूं। ये त्रिभुज हो गया ओ ए सॉरी एम और यहां पर ए, दूसरा त्रिभुज वो इस तरह का है ओ ये एम और ये बी। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों ही 90 डिग्री के कोण हैं, दे रखा है हमें ये लंब है। साथ ही साथ ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये वाली वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अभी अभी हमने देखा था कि वृत्त ये जो त्रिज्या होती है वो नियत दूरी होती है, कभी नहीं बदलती है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। साथ ही साथ इन दोनों को जब मैंने सेपरेट किया, अलग किया, तो यहां पर ओ एम और ओ एम ये दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन या उभयनिष्ठ भुजा है। तब यहां पर हमें तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी, ओ ए बराबर ओ बी जो कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, साथ ही कोण ए एम ओ बराबर है कोण बी एम ओ के जो कि 90 डिग्री है, यह हमें दे रखा है, दिया है। और दे और हमें ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ भुजा ज्ञात है, उभयनिष्ठ भुजा। जब किसी त्रिभुज में कोई सी भी दो भुजाएं और एक कोण बराबर आ जाता है या सिद्ध हो जाता है तब हम कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है त्रिभुज बी एम ओ।
जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं, सर्वांगसम का मतलब होता है कि ये दोनों त्रिभुजों की सारी भुजाएं और सारे कोण एक समान हैं, ये कक्षा 9 में प्रमेय है, SAS सर्वांग समता प्रमेय से। यहां पर लिख देंगे सर्वांग समता प्रमेय से। जब ये सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो इनके सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे। तो जब सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हैं तो AM और MBV बराबर होंगे। अतः यहां पर लिख देंगे, अतः AM बराबर होगा MB के। और हमें यही सिद्ध करके दिखाना था कि जो भुजा है, जीवा है AB, वो दो समान भागों में बट रही है। इति सिद्धम, यही सिद्ध हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।